मेरा नाम दिव्या है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इस लाइन से हैं, मैं पैराग्लाइडिंग करती हूँ, तो हम लोग को थोड़ा पता रहता है कि कहाँ पे क्या कंपटीशन हो रहा है। जैसे बीड में रिसेंटली अभी प्री वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसके बाद यहाँ का पता चला कि यहाँ पे बागेश्वर में एक ओपन चैम्पियनशिप हो रही है पैराग्लाइडिंग की। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि यहाँ पे बागेश्वर कपकोट में उन्होंने इतना अच्छा इवेंट रखवाया है, और ऐसे इवेंट और भी होने चाहिए उत्तराखंड में, जिसकी वजह से उत्तराखंड में भी काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म आए। मेरा नाम मनीष मखौलिया है और मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ, वहीं मैं पैराग्लाइडिंग करता हूँ और क्रॉस कंट्री फ्लाई करता हूँ। मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं दो दिन पहले यहाँ आ गया, वो भी फ्लाई करके, और उससे पहले मैंने जब फ्लाई करने के बाद मैं यहाँ नहीं आया, मैंने ऊपर ही टेक ऑफ में लैंड किया, और टेक ऑफ में लैंड होने के बाद दोबारा फ्लाई किया, और उसके बाद मैं काफ़ी इस जगह को एक्सप्लोर किया, यहाँ तक कि मैं चमोली बॉर्डर तक होके आया, फिर उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ लैंड किया। मैं 2.5 घंटे में पहुँच गया। लगभग ए डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस थी वो नियर अबाउट 53 किलोमीटर थी। उसके बाद फिर मैं 17 किलोमीटर एक घंटा और हुआ। मेरा नाम पूरन सिंह है, मैं यही कपकोट का हूँ रहने वाला, और मैं भीमताल में पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ 6 साल से। तो पहली बार यहाँ कपकोट में पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप हो रही है, तो उत्तराखंड टूरिज्म और जो यहाँ पे करवा रहे हैं जगदीश जोशी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र में ये ऐसे इवेंट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ा इवेंट है, और बाहर के बहुत सारे पायलट आए हैं, 30-35 पायलट आए हैं, तो मेरे लिए भी गर्व की बात है, पूरे क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है, और मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करता हूँ।